अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीद। नाज़रीन, आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई, फाइनली कमबैक देखा गया है। लेकिन फिर भी सम टाइम्स हम कह सकते हैं आज के दिन भी ये फील हुआ कि कुछ ना कुछ कॉशियस स्टैंड इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जा रहा है। आज के दिन जब मिनी बजट पेश होने की बात की जा रही थी, फिर वो पोस्टपोन हो गया और वेंसडे के दिन जो है वो यानी कि कल के दिन पेश होगा। तो ये जो एक इनिशिएटिव था या फिर ये एक न्यूज़ थी, उसने भी काफ़ी मार्केट को रोक के रखा अपनी पॉजिटिविटी को या फिर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। और हम बता दें कि न्यू ईयर्स के बाद इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट ज़्यादा प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कहा जा रहा है, ये एनालिसिस देखा जा रहा है कि न्यू ईयर्स के बाद ही मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल होगी। क्योंकि ओवरऑल जितने भी IMF प्रोग्राम के हवाले से न्यूज़ है या स्टेट बैंक के एक्ट के हवाले से न्यूज़ है, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए तो मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा वालों को डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखने चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,913.44 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 44,117.17, लोअर वॉज 43,906.41 एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव 44,000 यानी कि 44,043.74 के क्लोजर रहा एंड 130.30 का इजाफा आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 143.44 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले पे गेंस देखे गए हैं 28.88 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू वाइज आज भी कुछ डायनेस देखी जाती है 4.98 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रीपिंग इन रेड टाइटे, यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.42 के डिक्लाइन के साथ 1.13 पे क्लोजर, 18.87 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG पार्क सेकेंड स्कॉट पे 5.24 का गेन, 118.21 पे क्लोजर, 12.41 का कारोबार रहा। वही स्क्रिप्ट डेली बेसिस पे चेंज अनचेंज, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है डेली बेसिस पे। हम नेटवर्क लिमिटेड काफ़ी अर्से बाद लाइमलाइट में 0.22 का गेन, 6.72 पे क्लोजर, 11.74 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट के करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से और जो GDP ग्रोथ की फोरकास्ट की जा रही है, खासकर न्यू ईयर्स के बाद यानी कि क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या सिचुएशन सामने आती है, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MA जब्बार साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट के, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ ओवरकॉल मौजूद होंगी हिना आयरा साहिबा, वो आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करेंगे और इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करेंगे। जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जा रही है, इकोनॉमिक सिनेरियो ऑन गोइंग पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन समटाइम्स कुछ चैलेंजेस आ घिरते हैं। अभी भी कुछ स्लो डाउन एक्टिविटी देखी जा रही है, चैलेंजेस की बात हो रही है, तो ये एक मिनी बजट की भी एक छोटी सी हर्डल दिखाई देती है, क्या कहेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो है थोड़ी देर के लिए हमें दोनों साइड्स को देखने की ज़रूरत है। एक साइड है कि गवर्नमेंट के अपने स्टांसेस और दूसरी साइड है कि अपोजिशन के जो है तहफ़ुज़ात। अच्छा, अब इस तहफ़ुज़ात के आगे अगर हम चलें तो थोड़ी देर के लिए जैसे आपने एक इशारा किया कि मिनी बजट, जिसको हम फोर्थ अमेंडमेंट टैक्स लॉस भी कहते हैं, जिसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से भी कोई बिल साथ साथ पेश किया जाएगा। तो अब हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और हुकूमत क्या चाह रही है, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा हम एक ब्रीफिंग में थोड़ा सा अगर बातचीत कर लें तो मुनासिब होगा कि आगे हमारी समझ मजीद पैदा हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक टैक्स लॉज अमेंडमेंट और बिल ऑफ ऑटोनॉमी लाना चाहती थी। मगर उससे पहले अगर आपको याद होगा, मुझे तो अच्छी तरह से याद है क्योंकि इन सारी चीज़ों में हम तकरीबन 2-2.5 घंटे का इंटरेस्ट तो ऑन एन एवरेज लेते हैं कि इकोनॉमी के हवाले से क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या तहफ़ुज़ात हैं। तो पहले भी इसको उस बिल्स जिसमें 35 बिल्स थे उसमें लाने की बात हो रही थी, मगर मेरे अपने ख्याल में कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक के हवाले से बलखसूस बहुत ही मोहतात तरीका इख्तियार कर रही है और IMF को ये समझाने की मुसलसल कोशिश करती रही है कि स्टेट बैंक को एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जो पाकिस्तान की है, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा है, जो एक एडवर्सली अफेक्टेड हुई है कोविड की वजह से,
वहाँ पर बहुत ही मोहतात तरीके से इस आज़ादी स्टेट बैंक को देखना पड़ेगा। अगर आप अखबार पढ़ती हैं तो आपने भी बिल्कुल पढ़ा होगा कि हमारे लॉ मिनिस्टर जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, उन्होंने IMF को ये चीज़ें समझाने की कोशिश की कि वो यानी वो सोच जिसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक, वो शायद पाकिस्तान के तनाजुर में ठीक नहीं है, और उसमें वो तरजीहात जिसको हम कहेंगे अमेंडमेंट्स, उस अमेंडमेंट्स सर अमेंडमेंट्स पे मजीद बात करूंगी। अभी हम एक ब्रेक के जाने चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले एम ए जब्बार साहब से बात हो रही थी अमेंडमेंट बिल के हवाले से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के हवाले से। मज़ीद बात करते हैं सर, 2021 में मार्च में ये बिल पेश कर दिया गया था, अब क्या सिचुएशन आई कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, इन्स एंड आउट्स हैं या फिर इसके रिपरकशंस हैं जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं अब? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब इस बिल का ड्राफ्ट बनाया गया था तो इसके बिल के ड्राफ्ट के पीछे जो है
मेरे ख्याल में, बल्कि मेरा ख्याल तो नहीं, सबका ये ख्याल है कि IMF के कुछ मुतालबात थे। IMF इस बिल को कुछ इस तरीके से देखना चाहता था कि जिसमें थोड़ी बहुत ही सादे तरीके से हम ये समझाने की कोशिश करें, जो भी अगर हमें देख रहा है या आपको देख रहा है, कि स्टेट बैंक के जो एक स्टेट बैंक के पास क्या चार्ज है, स्टेट बैंक का क्या काम है। स्टेट बैंक के पास चार्जेस जो हैं वो दो किस्म की हैं। एक तो स्टेट बैंक ने प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना है, ठीक है, और दूसरा इस मुल्क में ग्रोथ के लिए एक पैराडाइम और एनवायरनमेंट क्रिएट भी करनी है, जिसके लिए उसको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट की बात करें, तो अगर हम IMF के मुतालबात के तहत हम इसको महदूद कर दें कि ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के ऊपर ही काम करे, मगर एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जो पाकिस्तान है उसमें पहले भी स्टेट बैंक से कर्जे लिए जाते थे, बिल्कुल, अब कमर्शियल बैंकों से लिए जा रहे हैं। फ़र्क क्या है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो इतने सारे जो मुनाफे कमा रही हैं, एक रिपोर्टेड चीज़ें हैं, उस मुनाफे कमाने में उनका मेन सोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। अब अगर स्टेट बैंक से अगर गवर्नमेंट पैसे लेती है, चूँकि गवर्नमेंट की बैंक है, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है, तो उसके और कमर्शियल बैंक से माबीन एक वो स्प्रेड जिसको हम कहते हैं, थोड़ी देर के लिए और हम सहल और सादा तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी स्टेट बैंक किसी ख़ास स्कीम के लिए पैसे मुहैया करती है, अथोराइज करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती है कि मैं 1% के ऊपर इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए आपको रिफाइनेंस दे रहा हूँ, मगर उससे तकरीबन डबल और ट्रिपल जो है बैंक्स अपना स्प्रेड लेती हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वही हालत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बजट में दिए गए वो तकाजे जिसको हम कहते हैं कि मार्कअप और लोन्स की सूरत में अदा करने हैं, तो कमर्शियल बैंक वर्सेस स्टेट बैंक में दो चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पे एक टाइम जो है और एग्रीमेंटल जो कंडीशंस हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट रहेंगी। कमर्शियल बैंक के साथ आपने पैसे 3 महीने के लिए लेने, आपने देने हैं, आपने किस मार्कअप पे लिए वो होगा मार्केट मार्कअप। यहाँ पे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक मार्कअप की सूरत हाल रहती है, जिसमें बतौर कुल बड़े बड़े वॉल्यूम्स में काफ़ी जो है फ़र्क आता है। मगर एक ख़ास बात जो मेरा ख्याल है कि यहाँ करना ज़रूरी है कि जब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंकों से पैसे लेना शुरू करती है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए एक महदूदियत पैदा होती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए पैसे देती हैं कि इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी स्टेट। सर, इटसेल्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी बॉडी भी है बैंक्स के लिए, तो इस सूरत हाल में फिर ऑब्वियसली ऑटोनॉमी होना तो बनता ही है उसकी। देखिए, आप नहीं समझते ऑटोनॉमी उस हद तक तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, जिसमें हम कहें कि वो मेरिट पे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जिन लोगों को लें उनको वो खुद उनकी मॉनिटरिंग करें, सर्विलेंस करें फर्स्ट ईयर, मगर अगर वो उससे ज़्यादा जवाबदेह हो जाएं तो मेरे अपने ख्याल में कि NAB को पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वक्त जो भी मुतालबात किए जा रहे हैं, कि ऑटोनॉमी तो पहले ही मौजूद थी। देखिए, ऑटोनॉमी इस वक्त जो ऑटोनॉमी है ना उसमें ये एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी इनकी गवर्नमेंट की तरफ है, right. उस अकाउंटेबिलिटी को सरकमेंट करना और एक्सक्लूड करना, मेरे अपने ख्याल में दुनिया में सिर्फ एक ही बैंक था जिसमें भी बदतरीन चेंजेस आ रही हैं, वो था हांगकांग में। कहीं पे भी उस ऑटोनॉमी का तस्वर जो IMF हमें देने की कोशिश कर रही थी, जिसको 22 पेजेस में इन्होंने कहा मौजूदा पोजीशन ये पोजीशन, वो किसी तरीके से भी इवन आईने पाकिस्तान उन शिकों को अपने पास नहीं ले पा रहा था। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट के अच्छे कामों को कि इन्होंने एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन लॉ के हवाले से वो IMF को दी, जहाँ पे मेरा ख्याल है इस ड्राफ्ट में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। राइट, अब इस ड्राफ्ट में और जहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ से हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे आके और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसको सराहना चाहिए। रियल अप्रिशिएशन तो तब होगी जब ये बिल के खद वखाल हमारे सब बिल्कुल सबके सामने आएंगे, और कल ही ऑब्वियसली बोला गया है तो ये पेश होगा और सब जो है वो देख रहे होंगे कि क्या चीज है, क्या आउटकम आता है। मार्केट भी इसी चीज का वेट कर रही है, इकोनॉमी के नंबर्स भी इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई क्लैरिटी आ जाए।
सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी आपकी मुलाकात थी और वो भी हमने देखा था कि इकॉनमी के हवाले से बातचीत की गई, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि एक्चुअली क्या डिसीजंस जो हैं वो आने वाले दिनों में इकॉनमी के हवाले से पॉजिटिव आने वाले हैं। देखें, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि एग्जीक्यूटिव के साथ हम बातचीत करते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ करते रहे हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ करते रहे हैं, हम जो है और भी कलीदी एग्जीक्यूटिव्स के साथ करते रहे हैं, मगर जुडिशरी का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव की जो भी कोताहियां हैं, जो आईने पाकिस्तान के इनहराफ में हैं या उन कवानीन की इंटरप्रिटेशन जो हो नहीं पा रही है, वो फंक्शन है जुडिशरी का। तो किसी भी मुल्क में अगर जुडिशरी मेरे अपने ख्याल में के स्ट्रॉन्ग हो तो उस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, उस मुल्क में मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की भी कमी होगी और उस मुल्क में मेरे अपने ख्याल में कि पॉलिसी साजी के हवाले से भी ये ख्याल रखा जाएगा कि कहीं कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बन रही है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, कहीं कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं रह रही है कि हम विद इन द कंट्री स्मगलिंग को फ़रोग दें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक आम और ख़ास आदमी के बीच में तफरीक पैदा हो। तो ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो सारी है ये ताबे है उस डर से जो जुडिशरी पैदा कर सकती है। देखिए, ये डर एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को और डर को बिल्कुल बराबर कर दें कि दे आर बोथ इक्वल, तो मेरे अपने ख्याल में कि स्टेट का फंक्शन अच्छा रहता है। थोड़ी देर के लिए हम हज़रत अली के उस कॉल को याद कर लें कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है मगर नाइंसाफी के ऊपर मुश्तमल कवायद और कवानीन वाली हुकूमत जो है वो बिल्कुल नहीं चल सकती है। ये तो आप देखें एक गोल्डन वर्ड्स हैं। अब अगर हमने बात की उनसे, वो भी एक इंसान हैं, अब उस इंसान की एक्सपर्टीज़ क्या है कि वो एक अच्छे लॉयर थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक जज बने हाई कोर्ट, जज बने सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी एक एक्सपर्टीज़ जो है ना, उस एक्सपर्टीज़ में एक ही चीज़ मैंने देखा कि उनके जहन में थी, वो था कि ऑनर फॉर द लॉ। अब उस हवाले से हमने इकोनॉमी के हवाले से भी उनसे बातचीत की। मैं आपको ये बताना मेरा ख्याल ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमने बात की कि इस मुल्क में जो फिस्कल पॉलिसी है, उस फिस्कल पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेटरी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है, उसको मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने जुडिशियल माइंड से ये कहा कि वो डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ हैं और उनका ये ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में एक प्रेफरेंशियल टैक्सेस का जायज़ा नहीं होना चाहिए, हर जगह पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होना चाहिए और जो लोग इस वक्त इंडस्ट्री या ट्रेड के साथ वाबस्ता हैं और उनकी कमज़ोरियां इन इंटरनेशनल और मुकामी हालात के वजह से उनको उस शिद्दत के साथ तरक्की करने की इजाज़त नहीं दे रही हैं जो दूसरों को मुराद देने के वजह से उनको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल अहमद जब्बार साहब, आपको मैं यहाँ पॉज करूंगी। हमारे साथ जो है वो बड़ी एक्सक्लूसिव गेस्ट ओवर कॉल मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। हिना आयरा साहब मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हिना, सबसे पहले ये बताइए, जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है, इकोनॉमिक सिनेरियो के नंबर्स की बात की जा रही है, कल मिनी बजट भी पेश होने वाला है, स्टेट बैंक का एक्ट के हवाले से भी बात है, आप समझती हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट की जा रही है 5%, कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं हम लोग या कितना मुतमईन अभी सफ़र जारी है? देखिए नताशा, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की है, अभी जिस तरह से पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं और कंसिस्टेंसी के साथ, अगर हम कहें कि कंसिस्टेंट हो के हम उस पॉलिसी या उस पूरे प्लान पे रहते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तमाम इदारे उसमें साथ देते हैं, तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमने टारगेट रखा हुआ है नेक्स्ट ईयर का। और अभी जो मिनी बजट की आपने बात की, मिनी बजट कल जो नेशनल असेंबली में पेश होने जा रहा है उससे कुछ तनकीद भी सामने आ रही है, कुछ नई खासी तनकीद सामने आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट वक्त के बदलते हुए तकाजों के साथ अगर कोई पॉलिसी अडॉप्ट करती है, नई पॉलिसी, और उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो उस डिसीजन को वेलकम करना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से उस पॉलिसी को अभी जितना टेन्योर बाकी रह गया है उसमें मजीद चेंजेस नहीं लाने चाहिए। और अभी डॉलर और रुपी का जिस तरह से चल रहा है सिलसिला, वो अभी तक नहीं हो पाया स्टेबल,
तो इस सिचुएशन में मनी बजट का आना और ये वक्त की एक जरूरत है जिसको खामखामी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि मनी बजट आने के बाद, अनाउंस होने के बाद ही हम आगे की पॉलिसी और जिस तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे उससे फिर ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। तो हिना, क्या एक्सपेक्टेशन दिखाई देती है मिनी बजट या एक ऑर्डिनेंस के तहत ये एक बिल पेश किया जाएगा, तो आप समझती हैं कि कुछ एक्सपेक्टेशन जो एग्जेम्पशंस रिमूव करने की बात हो रही है वही होगी, क्या न्यू टैक्सेस भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं? न्यू टैक्सेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, स्टेट बैंक की तरफ से कुछ इसमें रिकमेंडेशन हैं उनको ऐड किया गया है। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी कुछ बात की है, वो अब कल इसका बिल पेश होगा उसके बाद देखेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए से मिनी बजट को लाया जा रहा है, अभी तक ये मंजूर नहीं हुआ है। ऑपोजिशन की तरफ से तो इससे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वो एक नॉर्मल चीज़ है हुकूमत किसी भी डिसीजन पे ऑपोजिशन में क्रिटिसाइज करना होता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो डॉलर और रुपी के बीच में बढ़ता हुआ गैप है। अगर हम डॉलर को कंट्रोल कर लेते तो शायद हमें ये मिनी बजट लाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन अभी क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों से एग्जाम्पल ख़त्म की जा रही है, कुछ पॉलिसीज को रिवाइज किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिवोक किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा जिस तरह से इस पर बात की जा रही है। तो लेट दिस मिनी बजट कम और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर एग्जाम्पल हटाई जा रही है, बस बहुत ज़्यादा फर्क मुझे लग नहीं रहा है। जितनी सब्सिडीज़ हैं आप समझती हैं उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फर्क सामने नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बात करेंगे हिना, कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया गया, बहुत रिलीफ दिया गया, और वो जब दिया गया जब कोविड जैसा एक चैलेंज हमारे सामने था। अब आप समझती हैं जितने फवायद आने थे उसके वो आ चुके हैं या फिर मजीद फ़ायदे जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, कोविड के टाइम में जब बहुत सारे कारोबार स्पेशली छोटे कारोबार बंद हो गए थे, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ पैकेजेस अनाउंस किए थे, वो दैट वाज फॉर कोविड टाइम होगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से काबू पाया है कोविड से, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो अभी तक बहुत बुरी तरह से मुतासर हैं इस वबा से, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिकवर किया। पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान में ज़्यादा जो हम बाहर की दुनिया को ऑफर कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर है, हमारा बूमिंग सर्विस सेक्टर है, और वो हमने कोविड टाइम में भी भरपूर तरीके से उसमें परफॉर्म किया है। और कोविड में दुनिया भर में जहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में वैक्सीन पैदा हुआ, वो वैक्यूम कुछ जगहों पे पाकिस्तान ने फिल किया है। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान में बैठ के, घरों में बैठ के, जो वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया में कोविड के बाद आया, वो कोविड से पहले भी पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर इतना बूमिंग था कि यहाँ से लोग बैठ के काम कर रहे थे। तो उसके बाद सिचुएशन बेहतर हुई है और बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का हमारे जीडीपी में और इकोनॉमिक ग्रोथ में, और जो कि आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि मजीद राइज करेगा। जहाँ तक बात है हुकूमत ने जो पैकेजेस अनाउंस किए थे कोविड टाइम में, अब क्योंकि हम कोरोना वायरस से काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं और ऑफिसेज और बाकी जगह कारोबार खुल चुके हैं जिन पे पहले पाबंदी आई की गई थी, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, ईटीज, डिफरेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्टर्स, उनको बंद किया गया था, जिसकी वजह से जो छोटा तबका था, मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला तबका था, उनकी भी रिलीफ पैकेजेस से, कुछ और रिलीफ पैकेजेस से, अब क्योंकि वो सिचुएशन नहीं रही है और अगर हुकूमत वो रिलीफ पैकेजेस खत्म कर रही है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। वो भी एक टाइम बाद डिसीजन था, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई तो हुकूमत ने उस चीज़ को रिवोक कर दिया। अब फोकस जो हमें करना है वो आगे अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने पे, एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से और बाकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं हमारी उन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि जो भी मिनी बजट आ रहा है उसमें कुछ चीज़ों पे, जिस तरह से आपने ही बात की, सब्सिडीज खत्म की जाएंगी, तो वो शायद वो वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत के लिए ये डिसीजन लेना ज़रूरी है इस तरीके से।
राइट, क्योंकि हमारे पास IMF की कंडीशंस भी मौजूद हैं, उनको भी टैकल करना है और चीज़ों को बेहतर भी करना है। थैंक यू सो मच हिना, आप हमारे साथ मौजूद थी। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज के दिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हिना की एक्सपर्टीज़ हमारे सामने है, और साथ साथ IMF के हवाले से जो कंडीशंस हमारे साथ हैं वो निगोसिएशन जारी है, जिसकी एक एग्जाम्पल IMF की जो एक कंडीशन थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के हवाले से, तो वो हमारे सामने है। एम ए जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जब्बार साहब, कल के दिन जैसे हिना ने कहा कि एक्सपेक्टेशन है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मिनी बजट जो कि एक ऑर्डिनेंस बिल के तहत पेश किया जाएगा। देखें, बात असल ये है कि गवर्नमेंट का एक स्टांस, गवर्नमेंट के स्टांस की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो है कि गवर्नमेंट IMF में जो है फिर से एंटर हो रही है 6th रिव्यू के तहत। अब गवर्नमेंट के जो मजबूरी है उसमें IMF के दिए गए वो मुतालबात हैं, जिस मुतालबात के हवाले से नेगोशिएशन भी हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है करेक्शंस के लिए, इसका कोई मिड वे निकाला जाए। गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश करेगी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे क्या ये कोशिश जो है वो स्टेट बैंक के एक्ट के हवाले से काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि कुछ तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि स्टेट बैंक को हम उस तरीके से इंडिपेंड नहीं कर सकते हैं कि स्टेट बैंक की ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के हवाले से जो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। पाकिस्तान में अगर कोविड आया था तो स्टेट बैंक के फिस्कल रिलेटेड एक चीज़ों का जवाब देने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही इदारा था, वो था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में उस ज़माने में एक किरदार अदा किया, 3 महीनों की तनख्वाहें दी, बहुत ही सस्ते कर्जा जात दिए रिस्टोर करने के लिए, और बहुत सारी स्कीमों के लिए पैसे मुहैया किए। अब ये किरदार अगर हम IMF के कहने पे के ऊपर अगर हटा दें तो मेरे अपने ख्याल में कि यहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान शायद ये सेटलमेंट ना हो सके। एक वजह तो ये है कि अपोजिशन फॉर सेक ऑफ अपोजिशन तो आपको पता है इस मुल्क में होती है, मगर दूसरी वजह कुछ चीज़ें जिसमें वज़न होता है वहाँ पे बहस ज़रूर होती है। जैसे मैंने आपको इशारा किया कि सेंट्रल बैंक की उस आइटम मैटर्स के हवाले से मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, बल्कि तमाम लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें सेंट्रल बैंक कहना चाहते हैं कि ऑटोनॉमी होने की बात हो रही है, तो ऑटोनॉमस बॉडी वो पहले से ही ये तमाम उसके पास जो है वो मोमेंट्स मौजूद है। ऑटोनॉमी का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी, मेरिट। अगर आप मेरिट और ट्रांसपेरेंसी और रूल्स के तहत काम करें तो मेरे अपने ख्याल में कि ऑटोनॉमी इसी को कहते हैं। ऑटोनॉमी के नाम से कोई ऐसी तब्दीलियां की जाएं जो एक डेवलपमेंट इकोनॉमी में समा न सकें तो मेरे अपने ख्याल में कि आई एम नॉट विद देम, सो मेनी अदर पीपल आर नॉट विद देम। ये तो बात तो होगी, अब देखें कि वहां पे इंतजार रहेगा कल क्या जो है वो इस स्टांस पेश किया जाता है। दूसरी बात जो हिना से आपने बात की वो था कि मिनी बजट। देखिए, ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिसको हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं वो है 1500 अरब। 1500 अरब रुपए हमने माफियां दी हुई हैं। फिर मैं बात करता हूं कि अगर हमने माफियां दी हुई हैं तो उसके असबाब क्या हैं। ज़्यादातर असबाब यही हैं कि अगर आपके आवाज़ में जो है शायस्ती के बजाय एक पावर हो तो मेरे अपने ख्याल में कि फिर पावरफुल आवाज़ जो है वो कुछ ना कुछ इन असबाबों को पैदा करती हैं कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए। 1500 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि एग्जेम्पशंस को एक्सक्लूड करना, मुझसे अगर पूछे मैं तो कहूँगा 1500 अरब आप जो है वो हटा दें, किसी को कोई एग्जेम्पशन ना दें। मगर अगर आप इस वक्त बात कर रहे हैं 330 अरब रुपए की, अखबारों में हर जगह ये बात है, खुद ये लोग भी कह चुके हैं कि हम 330 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट का स्टांस है, अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? वो कहेगी कि 330 अरब रुपए अगर आप उठा रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ों के ऊपर उठा रहे हैं? इस वक्त तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये जो उठा रहे हैं इससे उम्रा का तबका जो है उसको थोड़ी सा परेशानी होगी, गरीबों को नहीं होगी। मगर दूसरी तरफ अगर हम अखबारों में ये भी पढ़ते हैं कि जी बेबी फूड के ऊपर भी, तो जाहिर सी बात है बेबी फूड के ऊपर भी एग्जेम्पशन है। देखिए, अगर अखबारों में कोई गलत बातें आती हैं तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है उसकी तरदीद करे। जब कोई तरदीद नहीं होगी
तो तब झूठ भी सच साबित हो जाता है। एग्जैक्टली, और हम यहाँ पे क्रिटिक्स नहीं बल्कि सॉल्यूशंस और तजदीद करने के लिए ही बैठे हैं। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम अमेंडमेंट के हवाले से बात करते हैं। अब चाहूंगी मैं मिनी बजट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइस हाइक की तरफ जा रही हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर बात करते हैं। जब बार साहब ऑलरेडी यहाँ पे पावर टैरिफ इंक्रीज होने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं, पहले ही ये इंदिया दे दिया गया था कि पावर टैरिफ हाइक होगा, इसके साथ साथ गैस टैरिफ के ऊपर ही बात चल रही, तो कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं जो हाइक की तरफ जा रही हैं? देखें, सबसे पहले जो है एक लोअर सेल्स टैक्स को अगर आप 17% स्टैंडर्ड पर ले जाती हैं और दूसरी तरफ आप डायरेक्ट टैक्सेस में उसको उन चीज़ों को एडजस्ट नहीं करती हैं जहाँ एग्जेम्पशंस हैं या दूसरे किस्म की मरात हैं या दूसरे किस्म की ट्रीटमेंट है, दोनों को आप साथ नहीं मिला रही हैं। आप सिर्फ बात हो रही है जो हम देख रहे हैं कि जी 330 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे और इशारा ये मिल रहा है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे तो इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है आप इन्फ्लेशन बढ़ा रही हैं, आप महंगाई को बढ़ा रही हैं, आप महंगाई को बढ़ा रही हैं और मैं कहूँगा महंगाई को हम बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम महंगाई को बढ़ाते हैं तो ये स्टांस पार्लियामेंट में कैसे सेल होगा? इस सेल करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लानी होंगी जिसको गवर्नमेंट डिफेंड कर सके कि सिर्फ ये क्लब है, जो क्लब किस चीज़ों का है, लग्जरी गुड्स का है। ये क्लब वो है जो एक मुतवस्सित तबके से ज़्यादा उम्रा को क्या करेगा, मुतासर करेगा। ये क्लब वो है जिसमें गरीबों के ऊपर कोई असरात नहीं आएंगे। तो मेरे अपने ख्याल में कि जब ये तीनों चीज़ें सेटल हो जाएंगी, गवर्नमेंट इसका डिफेंस कर सकेगी तो आराम से तो शायद जो है ये अप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि आज भी हकीकत अच्छा, है अभी भी यही एक हम कहेंगे बैरियर रखा जाएगा कि वो लोग जो कि इतने यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्राइस हाइक किए जाएंगे, या गैस के हवाले से भी यही होगा? देखिए, जहाँ तक आपके बिजली का ताल्लुक है तो बिजली के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ ये हुकूमत नहीं, पिछली दोनों हुकूमतों ने भी बिजली और गैस के हवाले से कोई भी वो रिफॉर्म्स जिसकी ज़रूरत थी नहीं किए। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं स्विस सदर्न गैस का डायरेक्टर भी रहा हूँ। हम आज से 10 साल पहले 12 साल पहले हमने खराबियों की इब्तदा होते हुए देखी, यानी उस ज़माने में जो भी एक लॉसेस थे वो लॉसेस आज बढ़ कर 15 से 20% के ऊपर चले गए हैं। बहुत ही सलीस तरीके से मैं आपको समझाऊँ ये 15% क्या होता है। ये 15% इतना ही जितना एक कार्गो बाहर से एलएनजी का आता है। तो हम अपनी यानी एक ज़ाया शुदा गैस को कम ज़ाया हो ज़्यादा ज़ाया होने से बचाने के तरीके का टेक्निकल करेक्शंस के बजाय हम सिर्फ जो है और डिमांड जो है और इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। हम उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों को अगर टाइमली एड्रेस कर लिया जाए या टाइमली उसको टैकल कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे ये लैक ऑफ आपने जैसे बात की कि भाई इनकी अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो अपने लीकेजेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट सर्विसेज जिसको एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज 7.5 ट्रिलियन है, 7,500 अरब, जबकि आज से 3 साल पहले ये 4 ट्रिलियन था। हम अपने डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को थोड़ा सा कम करें, सस्ता करें, हम अपने लीकेजेस को, हम अपनी जो एफिशिएंसी परफॉर्मेंसेस को ठीक करें। आज जितने भी पावर स्टेशन चल रहे हैं, के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो के इलेक्ट्रिक जो है वो 30% वाले एफिशिएंट बिन कासिम का प्लांट चला रहा है, जबकि कैनूब बराबर में खड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरत है कि हम इतने
पुराने प्लांट्स को इतनी लोअर एफिशिएंसी पर चलाएं, थोड़ी देर के लिए सब सलीस उर्दू में मैं ये कहूँ कि 70% आप गैस को हवा में फेंक रहे हैं और 30% का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो के इलेक्ट्रिक की सारे पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का सहारा है कि हमें ऑन एवरेज कुछ रियायत मिल रही है, वरना कराची में जो है वो टैरिफ आपका 30 से 32 रुपए हो। और दूसरा आप देखें कि ये भी बड़ी बेइंसाफी है कि इंडस्ट्री और कमर्शियल कंज्यूमर एक एवरेज जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है उसके मुकाबले में 200 अरब रुपए ज़्यादा सालाना दे रहा है। देखें ना, ये सब चीजें एक रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये इशू हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ, और उनका यही कहना है कि रेजिडेंशियल तो गैस कनेक्शन होने ही नहीं चाहिए, असूलन जो है वो इंडस्ट्रीज बेस्ड ही होना चाहिए ताकि यहाँ पर आपका सनती पहिया चलता रहे और एक अच्छा टैरिफ हो जो उनको मिले और विदाउट एनी सब्सिडी। और घरेलू सार्फिन के लिए हमेशा से कोई इशू जो है वो सिलेंडर या इस टाइप का होना चाहिए जो कि ज़्यादा जो मुश्किल हैं वो ना बन सके। चले जी सर, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ अहमद चुनाव साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, डायरेक्टर पीएसएक्स, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अहमद चुनाव साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर? एक रिलक्टेंट बिहेवियर है, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मिनी बजट और ये जो अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से बातचीत की जा रही है, कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं आप क्लैरिटी अभी इन्वेस्टर्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो इस वक्त रिसेंट हालात है जिसमें मिनी बजट की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ अशाओं पर जो है वो सेल टैक्स खत्म करने से और सेल टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं, और एक अनसर्टेनिटी सिचुएशन है जिसकी बुनियाद पर मार्केट में जो है कॉन्फिडेंस लेवल काफी शेक हुआ हुआ है। आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स काफी लो हो रहे हैं, लोग हेजिटेंट हैं, रेट्स जो हैं वो मुसलसल गिर रहे हैं, कहीं थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं फिर गिर जाते हैं, लोगों का एक जनरलाइज इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा। उसकी बेसिक वजह यही है कि एक अनसर्टेनिटी पोजीशन है कि परसों जब मिनी बजट आ जाएगा लोग इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, इसके बाद मार्केट जो है वो अपने टगर पे चलेगी। राइट अच्छा, न्यू ईयर्स के बारे में भी बात की जा रही है कि अब जब तक कोई आईएमएफ की जानिब से क्लैरिटी नहीं आ जाती या फिर ये ईयर एंड के बाद जो है वो चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, तो आप समझते हैं कहाँ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, लेकिन बाय एंड लार्ज जब हम देखते हैं मुल्क की इकॉनमी की तरफ, बाय एंड लार्ज जब हम देखते हैं कि हम आईएमएफ की कंडीशनलिटीज मीट कर लेंगे तो कोई वजह नहीं कि आईएमएफ का जो एक्सटेंडेड लोन प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की तरफ डेफिनेटली 100% पॉजिटिविटी के साथ आएगा और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे। तो बाय एंड लार्ज आगे न्यू ईयर जो है वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के लिए हमें बेहतर लगता है, और मैं समझता हूँ कि एक इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, जितना जो एक अनसर्टेनिटी पोजीशन थी वो खत्म हो गई है और आगे जो है वो मामला जो है वो बेहतर तरीके से इंशाल्लाह चलेंगे। सर बजट के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूंगी, बजट के अंदर एग्जेम्पशंस की बात की जा रही है कि उनको रिमूव किया जाएगा, कुछ न्यू टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे, मार्केट को इस पे कैसे रिपरकशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इम्पैक्ट लोगों के दिलों में आता है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन पर इफेक्ट बड़ा कम आएगा, अगर सेल टैक्स बहुत सारी जगहों पे जहाँ नहीं लगा हुआ वहाँ लगा दिया जाता है तो ये तो कंज्यूमर पर टैक्स है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, कंज्यूमर डेफिनेटली इसमें सफर करता है लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अपनी जगह रहती है, इसलिए उसको पास ऑन कर देना है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जी कंपनी हमारी अपना प्रॉफिट अपना रेवेन्यू जनरेशन बिल्कुल मेंटेन करेगी और गवर्नमेंट इसका क्या ऑल्टरनेट देती है कि कंज्यूमर सफर ना करे वो एक देखने वाला सवाल है। मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई जो है वो उसका जरूर सत्यवाद निकालेंगे और मार्केट जो है वो भी बेहतर जाएगी और कंज्यूमर जो है वो अपने सही तरीके से उन नए टैक्सेस को सस्टेन कर पाएगा। वेल थैंक यू सो मच अहमद चुनाव साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं तो मैं ये चाह रही हूँ कि अहमद जब्बार साहब से ज़्यादा चीज़ें जो है वो पूछ सकूँ। ओवरऑल जब्बार साहब हमने मिनी बजट के हवाले से भी बात की और हम सब्सिडीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, खुद मुख्तार होना और ख़ुद कफ़ील होना ज़रूरी होता है, आप समझते हैं हम सब्सिडीज़ देते रहेंगे तो लोग वैसे ही लीनियंसीज बस एब्जॉर्ब करते रहेंगे, उनको ख़ुद से भी तो अपने पाँव पर खड़ा होने की ज़रूरत है? देखें इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि अगर हम हर सेक्टर को एक इस आदत को यानी लेने की ज़रूरत को एक पॉलिसी वर्क अगर समझेंगे तो मेरे अपने ख्याल में कि ये तरीके का दुरुस्त नहीं है। तरीके का दुरुस्त वो है कि आज आईएमएफ आपको कह रहा है कि आप जितने की बिजली बनाते हैं
जितने की आप बिजली बेचते हैं उतने पैसे रिकवर करें, सही कहती है IMF, गलत तो नहीं कहती है। देखिए ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर कोई 100 रुपए की चीज खरीदता हूँ, मेरा दिल कभी नहीं कहेगा मैं उसको 90 रुपए में बेचूं। बिल्कुल। अब बात यह है कि IMF भी एक बिजनेस रेगुलेटर की तरह आपको ये एडवाइस करिए। अब यहाँ पे हमारी अपनी एक वीकनेसेस है जिसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है कि हमारा पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी सेक्टर में हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है, हमें लॉसेस को कम करने की ज़रूरत है और हमें उसको एक अच्छी रेगुलेशन के ज़रिए उसके जो हालात हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें पैसा जो है वो लगाकर उसको इनोवेट करने की ज़रूरत है, और जिसको हम कहते हैं कनाइविंग लॉसेस होते हैं और एक ओपन थेफ्ट होती है जी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ओपन थेफ्ट इतनी नहीं है जितनी कनाइविंग थेफ्ट है, जिसमें दोनों तरफ से हाथ जो है वो आगे किए जाते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिला जाता है, वो लॉसेस इस मुल्क में ज़्यादा हैं। अब उस लॉसेस को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही एक लॉस है, लॉस बहुत सारे हैं इस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो कर सकते हैं कंट्रोल फिलहाल उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब हम अगर थोड़ी देर के लिए वापस आएँ, कुछ चीदा चीदा बातें कर लें, वो ये हैं कि आपके पास जितने भी पावर हाउसेस हैं उनका एक मेरिट ऑर्डर बना हुआ है कि जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो ग्रिड के साथ कनेक्ट हो, कि कम से कम यानी रुपयों में एक यूनिट बने, और जिसका मेरिट ऑर्डर नीचे उसका वो है वो ज़्यादा रुपयों की बिजली बनाता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें ये जो 19% लॉसेस कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई बता रही है ये अनवर्कबल लॉसेस हैं। इसका मतलब है कि 100 रुपये में 25 रुपये के तो आप लॉसेस कर रहे हैं, तो फिर IMF की वो कंडीशन जो है उसका जवाब देने के लिए हमारे पास यही है कि हम इन चीज़ों को दुरुस्त करें। अब जहाँ तक गैस इकोनॉमी का ताल्लुक है, आप मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर वहाँ पे 604,000 MMCFD 4 BCF गैस इस मुल्क में पैदा हो रही है, अगर 15%, जिसको मैं कंजर्वेटिव बड़ा उर्दू में करूँ कि कंजूसी के साथ मैं उस फिगर को कह रहा हूँ 15%, मैं बड़ा कंजूस हो गया हूँ उस वक्त, 15% का मतलब ये है कि 600 MMCFD। आप मुझे बताएं कि इतना ही जहाज आता है LNG का। बिल्कुल। उसके बाद जो खास चीज़ है पाकिस्तान में, जो आज से 12 साल पहले मैं जब इसी सुई सदन गैस कंपनी में था, तो पाकिस्तान में इस वक्त भी हमारे पास अनटैप्ड जो है वो गैस पड़ी हुई है पाकिस्तान में। एक वो तो क्यों कहा जा रहा है कि हमारे पास ज़खायर कम है और सर्दियां आते ही जो है वो गैस की किल्लत हो जाती है। मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूं जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दीजिएगा, हमने उनको भी दी है। देखिए अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे और एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के मुताबिक जो सर्वेड हैं, पाकिस्तान में आज भी कई ज़खायर मौजूद हैं, उन ज़खायर को निकालने की बात है। हमारे पास एक शेल गैस के हवाले से इंडस बेसिन में बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं। हमारे पास जो है KPK में ऑयल स्प्रिंग्स देखे जाते हैं कि ऑयल जो है वो ज़मीन पर दौड़ता रहता है। हमारे पास इन सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया गया। सिंध अलोन इसमें 100 आपकी डॉर्मेंट फील्ड्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी इसमें गैस कम है, कहीं 5 MMCFD है, कहीं 4 है। आखिर इन सबको मिलाकर एक मजमू में कहीं पर हम जो है फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बिल्कुल। मेरे अपने ख्याल में कि ये रिफॉर्म्स जो हैं, इस रिफॉर्म्स को अब कौन लाएगा, मेरे अपने ख्याल में कि इमरान खान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो अगर बजिद होता है तो काम ज़रूर होता है, उसको इस रिफॉर्म्स के हवाले से भी ज़िद करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के उस हवाले से कि वो किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसको करने की कोशिश करता है, मगर उसको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, जिस टीम में उसके अपने इलेक्टेड लोग मेरा ख्याल है कि अब आने चाहिए, जो लोगों के साथ मिल सकें, लोगों से जो है वो एडवाइजेस ले सकें और फिर लोगों के पास वापस जाकर वोट भी ले सकें। एक सबसे बड़ी कमज़ोरी जो इस हुकूमत की मुझे नज़र आती है वो ये है कि नॉन इलेक्टेड लोगों का मजमा जो है वो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के गिर्द है, जिस मजमे को तोड़कर इलेक्टेड लोगों का मजमा लाने की जरूरत है। अच्छा सर, ये तो हुई बात, आपने सही से चैलेंजेस को जो है वो उनकी तरफ निशानदेही की, इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे सर्कुलर डेट के हवाले से, रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से, बहुत सारे अभी मसाइल हैं जो कि सर उठा रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करके इनको एड्रेस कर लिया जाए तो चीज़ें, या फिर हम कहेंगे जो हमारे पास जो लोकेशन है वो कम अज़ कम आइडेंटिफाई हो सकती है। मैं उसका आपको बिल्कुल सिंपल जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान की यही पहली वाहिद हुकूमत थी जिसने IPPs के एग्रीमेंट्स को
देखना शुरू किया। आज शिबली फराज भी जिंदा है, मिनिस्टर है, उसकी रिपोर्ट भी पढ़ लें, चाहे मैं आपको भेज देता हूँ, सेनेटर नुमान वजीर की रिपोर्ट भी पढ़ लें, उन सब के इशारे एक जगह जा रहे थे कि क्या हम जितनी बिजली बेची जा रही है, कही जा रही है कि हम बेच रहे हैं, क्या उतनी है, क्या इन चीज़ों की एफिशिएंसी, लॉसेस और दूसरे ओएमएन चार्जेस वगैरह मुनासिब हैं। इमरान खान ने एक कमीशन बनाई, उस कमीशन की रिपोर्ट आई, मेरे अपने ख्याल में कि उनके ऊपर यही नॉन इलेक्टेड लोगों का बड़ा प्रेशर रहा कि अगर इसके ऊपर हमने ज़्यादा काम किया तो हमें ये इंटरनेशनल कोर्टों में घसीटेंगे। मेरे अपने ख्याल में इमरान खान के अजायम बिल्कुल वाज़ेह थे। आज भी मैं कहूँगा कुछ तजदीद हुई है, मगर वो तजदीद जिसके हवाले से मैं कहूँगा कि बिजली की जनरेशन के सूरत में जो अदायगी की जाए वो कम हो, तो आपको भी कम पैसों में बिजली मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, इंडस्ट्री को भी मिलेगी। राइट, चलिए सर, बिजली की भी बात हुई, रुपी डॉलर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,26,100 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,110 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1,817.29 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 76.47 डॉलर, ऑयल ब्रांड क्रूड पर बैरल 79.42 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200.50, सेलिंग वॉज 202 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 237.50, सेलिंग वॉज 240 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 179.70, सेलिंग वॉज 181.10, चाइनीज यॉन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 46.50, सेलिंग वॉज 47 रुपीज, यूके यूएई दिरहम बाइंग एट 49 रुपीज, सेलिंग वॉज 49.50, कोयती दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वॉज 484.30, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वॉज 394.78। आज कमोडिटी मार्केट में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ डॉलर की उड़ान भी ज़्यादा ऊँची दिखाई देती है। एक ब्रेक की जानिब चलते, स्टे ट्यून्ड। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी हद तक डिटेल डिस्कशन की इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से, साथ साथ हमने आज अमेंडमेंट जो एक्ट है कल पेश किया जा रहा है बजट, उसमें भी जो है वो चीज़ें हैं वो डिस्कस की आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ चीज़ें जो है वो हिना आयरा से भी इकॉनमी के हवाले से डिस्कस की, एम ए जब्बार साहब से हमने काफ़ी चीज़ें पूछी है। एम ए जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच सर आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, और डिटेल में आज हमने इकॉनमिक जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश की जिनको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उनको फौरी तौर पर एड्रेस कर लिया जाए तो वो एक बड़े डिज़ास्टर से बचा जा सकता है जो कि बाद में सर उठाते हैं। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।